सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्यूज़न पंप के बारे में। इन्फ्यूज़न पंप क्या है, इन्फ्यूज़न पंप कैसे काम करता है, इन्फ्यूज़न एंड सिरिंज पंप के बीच में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें आप ये वीडियो में समझ जाओगे। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। ये जो आप देख रहे हो डिस्प्ले पर, ये बेसिकली एक इन्फ्यूज़न पंप है। यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आप मेडिकल गुरुजी चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ ही आपको एक बेल बटन दिखेगा उसे प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस इनेबल कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड सैटरडे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आता हूँ। आज हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा इन्फ्यूज़न पंप के ऊपर। इन्फ्यूज़न पंप क्या है, पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी वो बेसिकली बात की थी सिरिंज पंप के बारे में जिसमें सिरिंज यूज़ होती है। आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा इन्फ्यूज़न पंप के ऊपर कि ये जो मशीन है वो क्यों यूज़ होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मशीन काम कैसे करता है। दोस्तों अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक सिरिंज है, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ ट्राई करूँगा कि सिरिंज जैसा मैं ड्रॉ कर पाऊँ। ये एक सिरिंज है जिसमें आप सिरिंज पंप की मदद से सेट कर सकते हो कि भाई मुझे 10 ml जो है वो 1 hour में पेशेंट को डिलीवर करना है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको सिरिंज पंप जो है उसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो बॉटल्स पेशेंट को चढ़ती है जब पेशेंट को एडमिट किया जाता है, तो IV लाइन थ्रू एक पानी की बॉटल होती है या फिर मेडिसिन की जो बॉटल होती है जो स्टैंड पर लगी हुई होती है उसमें से फ्लो डिलीवर करना है, तो जब सिरिंज पंप की बात आएगी तो सिरिंज पंप जो है वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए इन्फ्यूज़न पंप का ही यूज़ होता है। बेसिकली इन्फ्यूज़न पंप क्या करता है, ये जो बॉटल पानी की या अगर कोई मेडिसिन की हो उसमें से जो लाइन पेशेंट थ्रू जाती है, यहाँ पे मान लीजिए ये जो एक लाइन है वो जा रही है ये पेशेंट के अंदर। अब ये जो पेशेंट है उसके अंदर अगर ये लाइन जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक अगर वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या होगा ना, कहीं से भी फ्लो कंट्रोल जो है वो नहीं होगा, फ्लो कंट्रोल जो है वो नहीं होगा। यहाँ से अगर आपने लेंथ ज़्यादा रखी हुई है, पंचर किया हुआ है, वैक्यूम का पंचर भी किया हुआ है, तो स्पीड से यहाँ से चला जाएगा लेकिन यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे सेट करना है कि 100 ml जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में ही जाना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई मशीन नहीं है तो ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ये मशीन है तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से जो है लाइन पहले जाएगी यहाँ पे मशीन के अंदर और मशीन के अंदर से जाएगी पेशेंट के अंदर। अब अगर मान लीजिए ये मशीन के अंदर आपको ऐसी सेटिंग करते हो कि जहाँ पे मान लीजिए 100 ml जो है वही जाना चाहिए पेशेंट को, तो ये मशीन मेक श्योर करेगा कि पेशेंट को ये बॉटल में से, सिरिंज में से नहीं, ये मशीन जो है वो सिरिंज के लिए नहीं है, ये मशीन है बॉटल के लिए, बॉटल में से 100 ml जो टाइम सेट किया गया है उस टाइम फ्रेम में पेशेंट के अंदर जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं सब चीज़ मिटा दूं, आपको अगर एक सिंपल डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए अभी ये पहले डायरेक्ट पेशेंट के अंदर जाता था, जब ये चीज़ आएगी, जब ये चीज़ काम करना स्टार्ट करेगी, जब आप उसे मशीन थ्रू रूट कर दोगे तो क्या होगा, मशीन थ्रू हो जाएगी ये पूरी प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस है वो मशीन के थ्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आप सेट करोगे यहाँ से तो ठीक है, यहाँ का ब्रेक पॉइंट क्या क्या मतलब है कि बॉटल से तो यहाँ तक फोर्सफुली जितना आ रहा है वो आएगा, लेकिन यहाँ पे एक और ब्रेक पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ से जो बाहर जा रहा है वो वही होगा जो ये मशीन के अंदर सेट किया हुआ है। अगर मशीन के अंदर सेट नहीं किया हुआ है तो यहाँ से आउटपुट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हो, इसे कंट्रोल करना
इन्फ्यूज़न पंप के अलावा पॉसिबल नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये मशीन का यूज़ कब होता है। जितना हो सके तो मैं क्लीन करने की कोशिश कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे दोस्तों जब बात आती है इसकी कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो चीज़ है वो एप्लीकेशन में यूज़ होती है जहाँ पे कंटिन्यूअस पेशेंट को जो है वो आईवी लाइन से मेडिसिन देनी होती है। सिंपल अगर मैं बात करूँ, ये मशीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होता है, ये जो मशीन है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कीमोथेरेपी में। यहाँ पे कीमोथेरेपी क्यों? दोस्तों जो कीमोथेरेपी है, अब उसके अंदर जो ड्रग होता है वो जो है वो इंजेक्शन से इंजेक्ट नहीं किया जाता है, उसे इंजेक्शन से इंजेक्ट नहीं किया जाता है, उसे जो आईवी लाइन थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। और उसमें भी क्या है, हर एक पेशेंट इंस्टेंट डोज एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, तो पेशेंट के हिसाब से ये मशीन में उसका डोज कैलकुलेट करके उसे सेट कर दिया जाता है कि एक घंटे में ये पेशेंट का डोज ख़त्म हो जाएगा, दो घंटे में ख़त्म होगा, या फिर इसके लिए तीन घंटे भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। प्लस काफ़ी बार ड्यूरिंग सर्जरी भी ये मशीन का यूज़ होता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए हॉस्पिटल में इसका 100% यूटिलाइजेशन होता है, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 80-85% यूटिलाइजेशन तो होगा सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी में, क्योंकि कीमोथेरेपी में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम समझने वाले हैं कि ये दोनों मशीन जो है, सिरिंज पंप एंड इन्फ्यूज़न पंप, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सिरिंज पंप वर्सेस इन्फ्यूज़न पंप। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पे सिरिंज लगाई हुई है और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी सिरिंज की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो फंक्शनैलिटी सिमिलर है वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली दोनों का काम जो है वो फ्लो रेगुलेट करना है, दोनों का काम फ्लो रेगुलेट करना है। ये सिरिंज थ्रू करेगा, ये आईवी लाइन थ्रू करेगा, दोनों का काम बेसिक, जो बेसिक काम है वो सिमिलर है, फ्लो को कंट्रोल करना है। यहाँ पे जो है सिरिंज कनेक्ट होगी, यहाँ पे आईवी लाइन कनेक्ट होगी। यहाँ पे सिरिंज पंप में मैं कहूँगा लिमिटेशन है। अभी आप पूछोगे लिमिटेशन किस बात की है, यहाँ पे दोस्तों चीज़ ये है कि मैक्सिमम कितने ml की सिरिंज आप लगा पाओगे। हर एक सिरिंज पंप की एक लिमिट होती है कि भाई इसमें 100 ml की मैक्स टू मैक्स सिरिंज लगेगी। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट को जो दवाई डालनी है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 ml है, तो आपको चार बार ये प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये मशीन का यूज़ करोगे तो 400 ml एक ही बार में चला जाएगा, क्योंकि इसमें तो पूरी बॉटल आप कनेक्ट कर सकते हो। आईवी लाइन यहाँ से इधर चली जाएगी, इधर से पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारी आपके पास लिमिटेशन होती है, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे जितनी सिरिंज बड़ी है उससे ज़्यादा, सिरिंज से ज़्यादा बड़ी आप मेडिसिन नहीं डाल सकते। प्लस हर एक जो सिरिंज पंप होती है उसका एक अपर क्राइटेरिया होता है कि लाइक 100 ml की मैक्स टू मैक्स सिरिंज इसमें यूज़ होगी। अगर आप उससे बड़ी ले आते हो और अगर वो डालते हो तो वो सपोर्ट ही नहीं करेगी। बेसिकली क्या होता है कि ये जो आप नोब देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये जब आप ओपन करके ये सिरिंज को अंदर डालते हो तो मशीन ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट कर लेता है कि भाई ये 50 ml की सिरिंज है, या फिर वो ये जो आपने डाली है वो 10 ml की सिरिंज है, वो अपने आप ही डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे वो लिमिटेशन कम हो जाती है, तो वो केस में भी ये मशीन का यूज़ होता है। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ तो दोनों का जो फंक्शन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, दोनों का काम फ्लो रेगुलेट करना है, ये सिरिंज से करता है, ये आई वी लाइन से करता है। इसका मेन जो होता है आईसीयू में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि एक से ज़्यादा सिरिंज पंप का भी एक साथ यूज़ हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए एक पेशेंट को 5 medicines चल रही है तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बल्कि भी है, थोड़ा सा इसमें भी लंबा होता है। प्लस इसका ज़्यादातर इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया था वो होता है कीमोथेरेपी के अंदर, ये सी है, कीमोथेरेपी के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं आशा रखता हूँ कि मैंने आपको इन्फ्यूज़न पंप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी दी होगी। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, मैं वहाँ पे आपसे बात करूँगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, थोड़ा लेट ज़रूर से होता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर से करता हूँ। तो बस ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर से करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करते हो तो उससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो मिलता है। लाइक करो, शेयर करो फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप कर सको ये वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, लोगों को समझ आए कि इन्फ्यूज़न पंप क्या है, इन्फ्यूज़न पंप कैसे काम करता है, कहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ होता है, प्लस वो ये भी समझे कि इन्फ्यूज़न पंप वर्सेस सिरिंज पंप में क्या डिफरेंस है। तो बस ऐसे वीडियोस के साथ जल्दी से ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।